हम कहते हैं जी लाइट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार हम यही कहते हैं, बार बार हम यही सुनते हैं, तो क्यों है सबसे इम्पोर्टेंट? लाइट की वजह से हम बस चीज़ें कंट्रोल करते हैं जो बेसिकली एसेंशियल हैं किसी भी प्रोग्राम में इमोशन लाने के लिए, प्रोग्राम का मूड सेट करने के लिए। इंटरव्यू ले रहे हैं आप किसी का, तो डिपेंडिंग ऑन के वो इंटरव्यू किस नोयत का, लेट्स से एक बंदे की आप ज़ाती बातों के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, तो आप प्रेफर करेंगे कि जो सेटिंग है इंटरव्यू की वो ज़रा इंटीमेट हो, ऐसी सेटिंग हो जिसमें मतलब आप किसी से फ्रीली जो है ज़ाती बातें कर सकें, देखने में वो भी इंटीमेट हो, तो वो मूड आप लाइट से सेट करेंगे। और एक तो लाइट इस एक यूज़ इसलिए होती है कि आप मूड सेट करते हैं, एक एक्शन प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है जिसमें हाई एनर्जी है, उसका सेट जो है वो हाई एनर्जी लाइट का सेट होगा, उसमें 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 शेडोज़ डार्कनेस कम यूज़ करेंगे आप, क्या नहीं होगी बिल्कुल। आप कोई भी ये न्यूज़ शो जो आते हैं एंकर्स के, जो न्यूज़ शो आते हैं या इलेक्शन की ट्रांसमिशन आती है, अब सारी रात जाके उन्होंने इलेक्शन की ट्रांसमिशन देनी होती है, उन्होंने आपको भी जगाना होता है, तो उसका सेट जो है उसकी जो लाइटिंग है वो हाई एनर्जी लाइटिंग होती है। आप मूड सेट करते हैं कि हमने हम आपसे आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, आप ग्लूम की बात कर रहे हैं, डार्कनेस की बात कर रहे हैं, आप प्रेफर करेंगे कि आपका सेट जो है वो थोड़ा डार्क हो, इस वजह से कि आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, सो मूड सेट करने के काम आती है। दूसरी चीज़ लाइट काम आती है व्यूअर की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किसी चीज़ पे। इंसानी आंख जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर सबसे ब्राइट चीज़ को सबसे पहले देखती है, कहीं भी स्क्रीन पे नहीं, इंसानी आंख सबसे ब्राइट चीज़ की तरफ मुतवज्जो होती है, जो चीज़ आपके करंट स्क्रीन में करंट सीन में जो आप आंख से देख रहे हैं वो ब्राइट है, आंख पहले उसको देखेगी। तो अगर आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि कोई सीन में किसी शॉट में कोई बंदा किसी चीज़ को देखे, तो आप ओवरऑल लाइट को अगर डार्क रखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा ब्राइट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आँख उसको देखेगी, तो इस वजह से भी लाइट इस्तेमाल होती है। आप इस तरीके से लाइट भी कर सकते हैं कि एक फ्रेम में अगर लग से है कि आपने आपकी मेन लाइटिंग हुई हुई है किसी चीज़ के ऊपर, एक सीन में किसी चीज़ पे आपकी मेन लाइटिंग हुई हुई है, लेकिन आप साथ ही किसी और चीज़ को भी एम्फोसाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको भी लाइट कर देते हैं, उसकी अलग लाइट लगा देते हैं, तो आपने मेन चीज़ को भी एम्फोसाइज किया और दूसरी कोई चीज़ जिसको आप उस सीन के अंदर एम्फोसाइज करना चाहते हैं उसको भी आपने ब्राइट रखा। बेसिकली तो ब्राइट चीज़ों को आँख ने पहले देखना है ना, तो एम्फोसाइज या डी एम्फोसाइज करने के लिए लाइट इस्तेमाल होती है। बस चीज़ें आप नहीं दिखाना चाहते, आप उनको डार्क रखते हैं, नज़र ही नहीं जाती उस साइड पर। टेक्स्चर और कलर ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है लाइट। अगर आप एक सीन को खूबसूरत बनाते हैं, हमने चलिए रस्म किया था, सच तो यह किया था, उसको बड़ी लाइटें शाइटें लगाई थी, वो डब्बे से पता नहीं कब के पड़े हुए थे, उन्हीं को लाइटें लगा दी थी, वाइट कर दिया था उनको, वो चीज़ ही कुछ और बन गई थी। लोगों को दिखाने के लिए खूबसूरत या बदसूरत या ड्रोना या एंजल लाइक, ये हम लाइट से लाइट को चेंज करने से करते हैं। आपने अगर किसी ने वो देखी हो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें वो जो एक वो एंजेलिक खातून सी उसकी ख्वाब में आती है, देखी होगा हमने, उसको बड़ा सॉफ्ट लाइट और बड़ा सॉफ्ट सा इमेज उन्होंने दिया है। और अगर वोल्डेमॉर्ट जो उसका विलन है, अगर उसको अगर आप हैरी पॉटर में देख लें या किसी में देख लें, वो बड़ा हार्श, और तो वो बेसिकली लोगों को जिस कैसा आप दिखाना चाह रहे हैं लाइट के ज़रिए, बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर ये कहे कि ये ड्रोन है, ये बुरा है और ये अच्छा है, आप ये तासुर पैदा कर सकते हैं, और ये लाइट के ज़रिए होता है। कुछ फोटोग्राफी के जो वर्ड फोटोग्राफी है उसमें फ़ोटो का मतलब है लाइट, एंड ग्राफी मींस राइटिंग, फोटोग्राफी मींस राइटिंग विद लाइट।
فوٹوگرافی کا جو لٹرلی لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے، جب ہم ویڈیو میں کام کر رہے ہیں تو ہم لائٹ سے رائٹ کر رہے ہیں لیکن 30 فریمز پر سیکنڈ پہ، اور اس میں ساؤنڈ بھی ہے، سو وی کین ہیو ایڈڈ ڈائمینشنز آف موومنٹ اینڈ ساؤنڈ، یعنی موومنٹ اور ساؤنڈ کی وجہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، اس کی وجہ سے ہم اور بھی زیادہ امپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وی آر ایکچولی رائٹنگ، وی آر ٹیلنگ اے اسٹوری۔ اگر آپ کے کوئی بھی پیس جو بھی جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اف اٹ ڈزنٹ ٹیل اے اسٹوری نو ون ول واچ اٹ، کوئی نہیں دیکھے گا اس کو، کیونکہ اٹ ہیز ٹو ہیو اے اسٹوری۔ پیپل جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم آپ کو تب دیں گے جب ان کو واپس کچھ ملے گا۔ اگر آپ اس کو اسٹوری نہیں دے رہے تو وہ نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے بھی زبردستی دیکھیں گے اور گزر جائیں گے، اور بس ان کو اس وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ موو کرے کسی بندے کو، جو بھی آپ انٹینڈڈ آپ اس کا نکالنا چاہتے ہیں وہ نہیں نکالے گا جب تک اسٹوری نہیں ہوگی۔ تو فائنل ویڈیو امیج جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اس میں سب سے سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ لائٹ ہے، کیونکہ لائٹ ہی ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، لائٹ ہی امیج بنا رہا ہے نا۔ اگر آپ کی لائٹ اچھی ہے، کلیئر ہے، جو بھی آپ موڈ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کا وہ سارا جو ایفرٹ ہے وہ لوز ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ لائٹ کی بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہیں، وٹ ڈیفائنز لائٹ یا وٹ میکس لائٹ ان ویڈیو، یعنی ویڈیو میں لائٹ جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس کی تین چیزیں ہیں، کوہیرنس یا کوالٹی، لائٹ کی کوالٹی کیا چیز ہے، کلر ٹیمپریچر کیا چیز ہے، اور انٹینسٹی کیا چیز ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو لائٹ کو جو لائٹ کی دیکھی جاتی ہیں، جو لائٹ کی خصوصیات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کون سی چیز کیا ہے۔ ان دو امیجز کو دیکھیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اوبویسلی، لیکن ایک میں ڈیٹیل زیادہ ہے، ایک میں کم ہے۔ دونوں امیجز میں لائٹ کا کلر، ٹیمپریچر اور انٹینسٹی، جتنی لائٹ بڑھ رہی ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ڈفرینٹ کیا کر رہا ہے، ڈفرینٹ کیا چیز کر رہی ہے، وہ ہے ہارڈنس اور یا سافٹنس آف لائٹ، دیٹ از کالڈ کوہیرنس یا کوالٹی، کوالٹی آف لائٹ۔ کوالٹی آف لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ کتنی ہارڈ ہے یا کتنی سافٹ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یار لائٹ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کہتے ہیں سافٹ لائٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ لائٹ ہے یا ہارڈ لائٹ ہے۔ ہارڈ لائٹ کیا ہے؟ لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایک سورس سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، جیسے ایک ٹنگسٹن کا بلب ہے، یا بڑی لائٹیں جیسے ہمارے پاس وہ ہیں باؤنڈر والی جو لائٹیں ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، وہ اگر ڈائریکٹلی کسی چیز پہ پڑ رہی ہے، کرسپ شارپ ڈیفائنڈ اپیئرنس اس کی وجہ سے آتی ہے، تو وہ ہارڈ لائٹ ہے۔ لائٹ فرام کلیئر انفراسٹڈ لائٹ بلب، ٹھیک ہے، اے فوکس اسپاٹ لائٹ، سورج جو ہے، سورج کی لائٹ کلیئر اسکائی میں، یہ سارے ریپرزینٹ کرتے ہیں ہارڈ لائٹ سورسز۔ اور ہارڈ لائٹ کا سب سے جو مین جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کلیئر اور شارپ ڈیفائنڈ شیڈوز بنتے ہیں۔ پیچھے میرا شیڈو دیکھیں، ہاتھ کا شیڈو دیکھیں، اس طرح کا کلیئر ڈیفائنڈ شارپ شیڈو، جتنا شیڈو آپ کا شارپ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی لائٹ جو ہے وہ ہارڈ ہے۔ تو سمپل ہے، جب ہارڈ لائٹ کو کسی چہرے کے اوپر آپ یوز کرتے ہیں الومینیٹ کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی امپرفیکشنز جو ہیں نا، اسکن کی امپرفیکشنز، وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو نارملی پلیزنگ نہیں ہے آنکھ کے لیے، یا ہمیں وہ امپرفیکشنز دیکھنا اچھا نہیں لگتا، سوائے اس کے کہ آپ
इंटेंड कर रहे हैं कि आप वो इन्फेक्शन को, बाबा है आप जुड़ियां दिखाना चाहते हैं उसकी, हार्ड लाइट फेंकेंगे उसकी जुड़ियां नजर आएंगी, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली जो है लोग ये पसंद नहीं करते कि चेहरे के इन्फेक्शन, दाने निकले हुए हैं, व्हाटएवर जो भी है वो नज़र आ रहा हो। लेकिन सम सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे आप कुछ डिटेल्स दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ है जो जो जिसमें इस किस्म के डिटेल्स हैं, वहाँ पे ये हार्ड लाइट फ़ायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि लेदर, टेक्सचर इन लेदर आप दिखाना चाह रहे हैं, ज्वेलरी दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये हार्ड लाइट जो है वो फ़ायदेमंद होगी, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। हार्ड लाइट राइटिंग स्टैंड आउट कर रही है, ठीक है। नीचे फूल है उसका शेडो, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड हैवी किस्म का शेडो बन रहा है। तो बेसिकली इस किस्म की सिचुएशन में हार्ड लाइट बेनिफिट देती है। आप इंग्रेविंग दिखाना चाहते हैं किसी किस्म की, कोई वो ये जिस हायरोग्लिफिक्स दिखाना चाहते हैं दीवारों के ऊपर जो लिखा होता है, पुराने तहजीबें लिखती थी, तो वहाँ पे ये चीज़ फ़ायदेमंद है। यही इमेज अगर सॉफ्ट लाइट से लेते पता ही लगना सी कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट का एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट है। सॉफ्ट लाइट जो है वो डेफिनेशंस ख़त्म करती है, यानी कि जो डिटेल्स आ रही थी उनको कम करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। तो सरफेस रेगुलरिटीज और डिटेल्स को जब आप कम करते हैं तो चीज़ जो है वो सॉफ्ट महसूस होती है, वो आपको प्लीजिंग है। लेकिन पोर्ट्रेट में वो प्लीजिंग है, लेकिन यहाँ प्लीजिंग नहीं है। डिफ्यूज़र्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास हैं, मकसद ये है कि लाइट को जो है वो बीम्स से हटा के तो उसको ज़रा इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम करें और लाइट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। लाइट सॉफ्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिफ्यूज़र इस्तेमाल होते हैं। ये भी डिफ्यूज़र है, छतरी जो है वो डिफ्यूज़र के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अम्ब्रेला हम मोस्टली यूज़ करते हैं फोटोग्राफर, उसे एक तो फैल जाती है लाइट, ठीक है, एक 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 जितनी कंसंट्रेटेड लाइट होगी उतना शेडो डिफाइंड होगा, जितनी फैल जाएगी लाइट उतना शेडो डिफाइंड नहीं होगा और वो प्लीजिंग तस्वीर बनेगी। सॉफ्ट एलईडी लाइट्स जो है वो भी डिफ्यूज़र के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इनका ये फ़ायदा है, एक तो ये हीट नहीं पैदा करती, ठीक है, और दूसरा ये है कि इनको फोकस भी किया जा सकता है, सॉफ्ट लाइट होते हुए इनको फोकस किया जा सकता है आगे एक 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 डिफाइंड एरिया के ऊपर पड़े पड़े। तो ये एलईडी सॉफ्ट लाइट्स का ये फ़ायदा। अब जी कलर टेम्परेचर, तो बेसिकली कलर जो है लाइट का, जो लाइट का अपना कलर है उसको हम मेजर करते हैं केल्विन में। केल्विन एक स्केल है, तो लोअर नंबर्स का मतलब है वार्म लाइट, हायर नंबर्स हैं जैसे वाइट लाइट, ब्लू लाइट। लोअर नंबर्स अमूमन इंडोर में हम यूज़ करते हैं। अगर आपने इंडोर में लाइटिंग करनी है तो आप लोअर नंबर्स की लाइट इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने आउटडोर में लाइटिंग करनी है तो आप नॉर्मली यूज़ करेंगे हायर नंबर की लाइट, वार्म एंड कूल। कैंडल की लाइट, बल्ब की लाइट, वो जो है वो लोअर केल्विन की मिसाल है, ठीक है, ये येलोइश है लाइट। और अब सूरज की लाइट जो है ना वो ट्रिकी है। सूरज की लाइट दिन के टाइम के हिसाब से अपना केल्विन चेंज करती है। उसकी वजह ये है कि सूरज का एंगल जो है जब चेंज हो जाता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है लाइट, और ज़्यादा वो जो एटमॉस्फेयर से जब गुजर के आती है तो वो कलर चेंज कर लेती है, परसेप्शन ये होती है, ठीक है। तो हायर केल्विन लाइट है सूरज की, ठीक है, वाइट लाइट है या ब्लू लाइट है, ठीक है। इस तस्वीर में, छोटी सी तस्वीर है इस वजह से उतनी ख़राब है,
लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो नज़र आ रहा है, इसमें हायर भी यूज़ किया उसने और लोअर भी यूज़ किया, और ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि ये नहीं करना। इस वजह से कि ये कैसी अजीब सी तस्वीर है ना, वो समझ नहीं आ रही कि वो लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो जब हम उन दोनों को इकट्ठा देखते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि ये इस वजह से आउटडोर में आपने वाइट लाइट यूज़ करनी है, क्योंकि बाकी लाइट जो एम्बियंस है आउटडोर की वो ये ऑलरेडी, तो आप वाइट लाइट यूज़ करेंगे शेडोज़ ख़त्म करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो एक जैसा लगेगा। हायर केल्विन लाइट यूज़ करेंगे तो ये फ्रेम एक जैसा लगेगा, पता नहीं लगेगा कि आर्टिफिशियल लाइट डाली है। और इनडोर में चूंकि ऑलरेडी ऐसी है लाइट, मोस्टली बल्ब ही लगे होते हैं, तो वहाँ पे अगर, अब हमारे तो इनडोर में नॉर्मली अब वो LEDs लग गए हैं या जो भी है, तो उसमें हो सकता है कि आपको हायर यूज़ करना पड़े क्योंकि उसकी लाइट वाइट है या ब्लू की टिंट है, वो तो डिपेंड करता है ना उस सिचुएशन पे। लेकिन नॉर्मली इनडोर में ये लाइट होती है, तो आप ये वाली लाइट यूज़ करोगे तो आपका फ्रेम कोहेरेंट लाइट देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इनडोर में ये लाइट यूज़ करनी है, आउटडोर में वो लाइट यूज़ करनी है। लेकिन परफेक्ट सिनेरियो नहीं होता कोई भी, वो आप देख के फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। आउटडोर में अगर शाम का वक्त है तो ऑब्वियसली फिर आप ये लाइट यूज़ करेंगे क्योंकि वो सूरज ने अपना रंग चेंज कर लिया, ठीक है, वो लोअर केल्विन पे आ गया। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, आप ये जानते हैं, आपकी लाइट के पीछे लगे नंबर लगे हुए हैं। नॉर्मली 3200 केल्विन जो है वो लैंप्स वगैरह का टेम्परेचर आप रखते हैं, और अगर आपने एवरेज डे लाइट, जैसे अब ये दिन के वक्त उसने लाइटें लगाई हैं बाहर, तो वो हायर लाइट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा ये होता है क्योंकि उनको पता है कि जो सूरज की रोशनी है अमूमन ये होती है 5500 केल्विन, ठीक है। अब हमने क्या 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 चीज़ें देखी अब तक, एक हमने देखी कोहेरेंस, ठीक है, कोहेरेंस क्या था, लाइट की क्वालिटी हार्ड एंड सॉफ्ट, और दूसरी चीज़ हमने देखी टेम्परेचर के उसका कलर क्या है लाइट का, तीसरी चीज़ है इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी। तो लाइट की इंटेंसिटी ये है कि जितनी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, अगर अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर कर सकें कि रोशनी कितनी किसी चीज़ पे गिर रही है, कितनी रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है, वो है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किस चीज़ से हम अमूमन मेजर करते हैं, वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, फुट कैंडल्स एक स्टैंडर्ड है, एफ स्टेप्स कहलाते हैं या लक्स कहलाते हैं, लक्स। तो अमूमन सनलाइट जो एवरेज डे में है ना, वो 32,000 लक्स से 1,00,000 लक्स तक होती है। लक्स वो वाला ना आने वाला नहीं, 32,000 से 1,00,000 लक्स के दरमियान सूरज की रोशनी वेरी करती है एक दिन में। जो टीवी फिल्म सेट्स हैं, जो हमारे सेट्स हैं, उसकी कम से कम रोशनी जो है वो 600 लक्स होनी चाहिए, और तब आप, आपकी हर चीज़ जो है ना वो अच्छी नज़र आएगी और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्रोग्राम जो है देखने में अच्छा लगेगा। एक ब्राइट ऑफिस जो है वो नॉर्मली 400 लक्स होता है, मूनलाइट जो है वो 1,00,000 है, बेसिकली लक्स जो है मूनलाइट पे है, और एक स्टार लाइट जो है वो ये है 0.000005 लक्स, ठीक है। ये मेजर कैसे करते हैं, ये मेजर करते हैं इस मुसीबत से, ठीक है, इसको कहते हैं लाइट मीटर। तो लाइट इंटेंसिटी की इससे हम मेजर करते हैं, और इसकी जो लाइट की बीमारी है वो ये है कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली ड्रॉप नहीं होती। मतलब अगर मेरे ऊपर आपने यहाँ से लाइट फेंकी है ना, यहाँ से मेरे ऊपर लाइट फेंकी है, तो आप नॉर्मली कहेंगे अच्छा मैं दूर होता जाऊँ तो आहिस्ता आहिस्ता लाइट कम होगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। लाइट इंटेंसिटी एक ख़ास डिस्टेंस के बाद एकदम कम हो जाती है, वो या आपको देखना पड़ता है कि मैंने उसको किस डिस्टेंस पे रखना है। तो इंटेंसिटी किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, लाइट को या सब्जेक्ट को एक दूसरे के करीब कर दें,
या दूर ले जाएं, ठीक है, उससे लाइट इंटेंसिटी जो है वो कंट्रोल होती है। या आप अपनी लाइट के आगे एनडी फिल्टर लगा दें, लाइट के लिए भी एनडी फिल्टर आते हैं, न्यूट्रल डेंसिटी जेल्स, या जो हम आगे डिफ्यूज़र तो होता है ना जो बेसिकली उसको सॉफ्ट करता है, जो न्यूट्रल डेंसिटी जेल वो है वो कट करता है लाइट को, जैसे सन जैसे एनडी फिल्टर जो है सूरज की रोशनी को कट करता है, उसी तरह आप अपने लाइट के आगे वो लगा के तो अपनी लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है ये कि ये लाइट लगा दी है बड़ी तेज़ है, या तो पीछे लेके जाओ अगर वो जेल हो, आप आगे वो फ्रेम में जेल लगा देते हैं, लाइट की लाइट कट हो जाती है। लाइट की इंटेंसिटी क्लियर है। अब हमने तीन चीज़ें देख ली, लाइट की करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, उसकी क्वालिटी कोहेरेंस हमने देखा, उसका लाइट टेम्परेचर, और हमने देखा उसकी लाइट इंटेंसिटी। ये लाइट के तीन फीचर्स हैं जो जब भी आप लाइट लगाते हैं तो आप ये तीन चीज़ें देखते हैं। स्टूडियो लाइट कम अज़ कम 600 लक्स होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तीन चीज़ें हो गई क्लियर। टिपिकल स्टूडियो लाइट में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? की लाइट्स, फिल लाइट्स, बैक लाइट्स और बैकग्राउंड लाइट्स। ये तीन चार किस्म की जो लाइट्स हैं ये एक टिपिकल स्टूडियो सेटअप में आप लगाते हैं। की लाइट, ये मेन लाइट है जो आपके सब्जेक्ट को लाइट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये क्या करती है, ये आपको उसकी फॉर्म दिखाती है, डायमेंशंस दिखाती है, सरफेस डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो उसके फीचर्स हैं वो दिखाने के काम आती है। और कोहेरेंस में, अब आप कोहेरेंस जानते हैं क्या चीज़ है, ये फुल हार्ड लाइट नहीं होती, ठीक है। हम हार्ड लाइट कहते हैं, हम कहते हैं ना जी हार्ड सॉफ्ट हो रही है, ये फुल्ली हार्ड लाइट नहीं होती, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्योंकि आप बिल्कुल ही उसको अगली नहीं दिखाना चाहते हार्ड लाइट में अपनी, आप थोड़ी सी डिटेल दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो अच्छा भी लगे देखने में, तो ये फुल्ली हार्ड लाइट नहीं होती। की लाइट जो है वो फुल्ली हार्ड लाइट नहीं होती, ये याद रखें। इसी वजह से हम जब छत से बाउंस करा देते हैं लाइट, या हम ये पेपर लगा देते हैं, या एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ कर लेते हैं और हमारा गुजारा हो जाता है, वो इसी वजह से होता है। तो बेसिकली क्लोजअप कैमरे की लाइट जो है वो की लाइट है। अगर आपने क्लोजअप्स लेने हैं तो आपकी लाजमन कीज़ फिर होनी चाहिए, ताकि आपके फीचर्स जो हैं वो डिफाइन हो, आपने क्या दिखाना है, ठीक है। फीचर्स कैसे डिफाइन होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से शेडोज़ बनते हैं। शेडोज़ से क्या होता है, शेडोज़ से डेप्थ पैदा होती है, यानी कोई चीज़ कितनी गहरी है। मेरा नाक थोड़ा सा आगे है, मेरी स्किन थोड़ी पीछे है, अभी आपने टू डायमेंशनल टेलीविज़न के ऊपर कैसे दिखाना है। हमारी आँख तो देखती है स्टीरियो में, हमारी आँख देखती है दो आँखों से हम देखते हैं, दोनों को एंगल फ़र्क है, और जब मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो वो डेप्थ की परसेप्शन दिमाग बनाता है उन आँखों की, दो आँखों के डिफरेंस की वजह से। लेकिन यही चीज़ अगर आपने समझाई इस बात की, यही चीज़ अगर आपने टीवी स्क्रीन पे दिखानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई डिवाइस इस्तेमाल करे, तो उसके लिए नॉर्मली हम शेडोज़ यूज़ करते हैं। शेडोज़ उतने इम्पोर्टेंट हैं जितनी इम्पोर्टेंट रोशन की हुई चीज़ है, क्योंकि शेडोज़ भी उसमें डिटेल ऐड कर रहे हैं, और वो डिटेल ऐड कर रहे हैं डेप्थ की। फिल लाइट का काम ये है कि जो हार्ड शेडोज पैदा किए हैं ना की ने, वो उनको सॉफ्ट करें, क्योंकि हम बिल्कुल हार्ड शेडोज नहीं दिखाना चाहते, और दूसरी साइड भी हमने इल्यूमिनेट करनी फेस की, हमने अंधेरे में तो नहीं रखना ना एक साइड को। तो फिल लाइट का काम यह है कि वो शेडोज कम करती है। बेसिकली फिल लाइट और की लाइट का सेटअप ही होता है कि 45 डिग्रीज के ऊपर की लाइट होती है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट 45 डिग्रीज के ऊपर फिल लाइट होती है, ठीक है। उधर से शेडोज जनरेट हुए, इधर से शेडोज निगेट कर दिए, और एक सॉफ्ट अच्छा इमेज जो है वो आपके सामने आ गया। जनरली जो है फिल जो है जस्ट अबव द कैमरा लगा होता है, ठीक है, और की थोड़ी ऊपर होती है और फिल थोड़ी सी नीचे होती है,
कैमरे के ऊपर, क्योंकि ये कैमरे के करीब होती है, ठीक है, मतलब लाइट का सेटअप इस किस्म का बनता है ज़रूर। 45 डिग्रीज पे तो है, लेकिन ये ऊपर नीचे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, कहाँ कहाँ करनी है। बैकलाइट का काम है कि सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलहदा करे, ये नहीं लगता कि बंदा जो है इस दीवार में ऐसे फंस गया, क्योंकि अगर बैकलाइट होगी तो ये बंदा आगे आ जाएगा, और उस ये एजेस जो नज़र आ रही हैं ये इस बैकग्राउंड से इसको आगे ले आते हैं, और वो बंदा लगता है कि भी थोड़ा आगे बैठा हुआ है। तो बैकलाइट भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिकली आपको एक 3D लुक देने में, जो जिस तरह आप हम असल में देखते हैं, वो मदद देते हैं। नॉर्मली डायरेक्टली बिहाइंड द सब्जेक्ट जो क्लोजअप कैमरा है उसके हिसाब से, हर कैमरे के हिसाब से नहीं, जो क्लोजअप ले रहा है उस बंदे का कैमरा, उसके फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल पीछे अगर आप लाइट लगाते हैं तो वो बैक लाइट है, वो सही सबसे बेहतर काम करेगी। की और फिल लाइट के निस्बत यहाँ पे आप छोटी लाइट यूज़ कर देते हैं जैसे हम ये करते हैं, क्योंकि मकसद उसका सिर्फ ये है कि एक एरिया आपने डिफाइन करना है कि ये चीज़ जो है ये बैकग्राउंड से आ गया। बैकग्राउंड लाइट्स का मकसद ये है कि जो पीछे बैकग्राउंड है उसको आप अच्छी तरह से दिखा सकें, बैकग्राउंड अंधेरा ना हो, और एक अच्छा आपका जो बैकग्राउंड है वो भी नज़र आ रहा है और आपका बंदा भी नज़र आ रहा है। तो बैकलाइट का मकसद है, जो कंफ्यूजिंग चीज़ है वो ये कि बैकलाइट का मकसद है कि सब्जेक्ट को आपने पीछे से लाइट करना है, वो उसका रुख सब्जेक्ट की तरफ है, और जो बैकग्राउंड लाइट है उसका रुख बैकग्राउंड की तरफ है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है इसमें समझने वाली। तो ये बेसिक लाइट है जिसको हम 3-point लाइटिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये फिल लाइट, की लाइट, बैक लाइट, और अगर उधर पीछे बैकग्राउंड में कोई लाइटें लगी होती तो वो पीछे वो होती, तो ये इसको कहते हैं 3-point लाइटिंग। ये बेसिक तरीन लाइटिंग है जो तकरीबन हर एक इंटरव्यू, हर एक प्रोग्राम में हम करते हैं जो टेलीविज़न में इस्तेमाल होती है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको डायग्राम्स मिल जाएंगी, वो आप करेंगे ना कि स्टूडियो लाइटिंग फॉर 4 persons, 3 persons, तो आपको डायग्राम्स मिल जाते हैं कि आपने ये लाइट करनी कैसे है, और वो मेरे ख्याल है अगर उसको फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छी लाइटिंग जो है वो मिल सकती है। तो ये क्लियर है थ्री पॉइंट लाइटिंग, ठीक है। तो दैट कंक्लूड्स द लाइटिंग पार्ट।